सेना बाहिनी रे अहिर रेजिमेंट गठन करिबा पई उत्तर प्रदेश मेनपुर रो जने युवक वर्तमान साइकिल यात्रा रे बाहरी छंती भारत भ्रमण करुछन। तो देखि पारुथिबे चित्र ये होछंती अभिषेक यादव उत्तर प्रदेश मेनपुर अंचल रु बाहरी छंती वर्तमान सारा भारत वर्ष भ्रमण करिवे एवं सेना बाहिनी रे अहिर रेजिमेंट गठन दाबी रही मुख्य दाबी। तो वर्तमान सुधा से 13 राज्य अतिक्रम कर सारे जुलाई 1 तारिख रु बाहरी साइकिल रे भारत भ्रमण करने तो तांकोटु प्रथम प्रतिक्रिया नवा कहीं मनरे ये आसला जे अहिर रेजिमेंट स्थापन को गठन करने साइकिल भ्रमण कर। तो आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। तो आपका जो साइकिल जो भारत वर्ष घूम रहे हो तो आपका मकसद क्या है? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अभिषेक कुमार यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश मैनपुरी से, और लगभग मैंने आज से 2.5 महीना पहले यानी 1 जुलाई को अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। और लगभग मेरे 13 राज्य यानी कि ये उड़ीसा 13वां राज्य है, यानी कि 13 राज्य मेरे कंप्लीट हो गए। और लगभग मैंने 4000 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो जो मेरा मोटिव है कि मैं किस लिए ये जर्नी कर रहा हूँ, तो मेरा मोटिव है अहिर रेजिमेंट। मैं भारत सरकार से व हर एक प्रदेश की सरकार से यही मांग करता हूं कि अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी हम लोगों के लिए बॉर्डर पे शहीद होती है, तो क्या हम उनके लिए लड़ नहीं सकते हैं? अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि जो रजांगला में एक बार हुआ था 18 नवंबर 1962, तो उसमें लगभग 114 यादव वीर पुरुषों यादव वीर शहीदों ने 114 लोगों ने लगभग 15 चीनियों को मारा था। आप समझ लो, जब हम लोग देश पर मरने मिटने के लिए सीना पीछे नहीं करते या मतलब पीछे नहीं हटते, तो भाई एक मेरा मतलब खुद की पहचान नहीं कंधों पे होना चाहिए, एक अहिर रेजिमेंट का तो गठन होना चाहिए। और मैं देश व प्रदेश की सरकारों से यही मांग करता हूँ कि अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। मैं कोई जातिवाद या कोई किसी कास्टिज्म पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने देश की सेना के लिए लड़ रहा हूँ। आर्मी हमारे लिए लड़के शहीद हो गए वो लोग, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, बस यही मेरा कहना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपसे। तो आपका उम्र है सिर्फ 21 साल, तो आपका जो 21 साल की उम्र में आपका जो भारत भ्रमण कर रहे हो अभी, तो ये जज्बा कहाँ से आया? ये जज्बा कहते ना कि मतलब जो जो लोग बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखते हैं, बचपन से ही मुसीबतों का सामना करते हैं, उनके अंदर ये फैसला आ ही जाता है अक्सर कभी ना कभी, तो ऐसे ही मेरे अंदर आ गया। मेरे को किसी ने एडवाइस नहीं दी कि अभिषेक आप भारत साइकिल यात्रा करो, मैंने खुद ही ये डिसीजन लिया। यहाँ तक कि मेरे घर वालों की ये राय नहीं थी कि तुम ये ऐसा काम करो, वो भी मेरे से नाराज़ थे, लेकिन अब नहीं, वो भी कहते थे कि तुम इतना क्यों कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा था कि मैं ये भारत यात्रा कर रहा हूँ, उन लोगों ने कहा मत करो, लेकिन फिर भी मैंने किया। और मैं मतलब जो मेरे दिमाग में आता मैं करता हूँ, क्योंकि हमें लगता है मैं जो काम करता हूँ वो गलत नहीं होता, और मैं अपनी देश की सेना के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों। तो आपने जो अभी भारत भ्रमण कर रहे हो साइकिल से, क्यों चाहिए सेना वाहिनी में ये रेजिमेंट गठन करना? वो मैं आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में अहिर रेजिमेंट का गठन क्यों चाहिए, क्योंकि आज अगर देखा जाए इंडियन आर्मी में लगभग सबसे ज़्यादा यादव कम्युनिटी के जवान तैनात हैं, यादव को जबकि कोटा नहीं है। तब अब कोटा मिल जाएगा, हम लोगों की संख्या पता नहीं कितनी हो जाएगी। अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यादव लोग शहीद होते हैं, सबसे ज़्यादा। आप कारगिल का देख लो, उसमें लगभग 400 लोग शहीद हुए थे, उसमें 91 लगभग 100 यादव लोग थे, 100 यादव लोग। जब भाई हम लोग हर जगह हिस्सा अच्छा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा नाम भी तो खुद का होना चाहिए, नाम किसी और का होता लड़ते मरते हम हैं। भाई एक राष्ट्रपति है उसको अलग इज्जत है, प्रधानमंत्री है उसकी अलग पोस्ट है, एक IAS UPSC ऑफिसर है उसकी अलग इज्जत, कॉन्स्टेबल की क्या इज्जत है? भाई हम लोगों को तो कॉन्स्टेबल की तरफ हो गए। भाई हमारी संख्या जरूर है लेकिन हमारी पहचान कुछ नहीं है। तो मैं अपनी पहचान के लिए लड़ रहा हूँ, इंडियन आर्मी की पहचान के लिए लड़ रहा हूँ, अहिर रेजिमेंट की पहचान के लिए लड़ रहा हूँ, बस मेरा यही मोटिव है। तो जो भाई भाव में कहते अभिषेक यादव जे देश मातृकार सेवा करने अहिर रेजिमेंट जो मैंने यादव अच्छे यादव
सही जादव महासंघर अनेक वीर जवान माने शहीद होती देश मातृकार सेवा करने से सेना बाहिनी रे अहिर रेजिमेंट गठन करा जाउ दाबी नहीं वर्तमान सारा भारत भ्रमण करुछन वर्तमान सुधा 13 राज्य अतिक्रम कर सारी वर्तमान आज जिते आठगड़ वीरकेशरपुर में पहुंची से आठगड़ और बांकी जादव महासंघ पक्षर वर्तमान अभिषेक यादव को संबर्धित करम सहित अच्छा वर्तमान आठगड़ ब्लक जादव महासंघर सभापति और बांकी ब्लक प्रतिक्रिया ना यहाँ आम पूर्ण मात्रा समर्थन करुचु भाई आमर अभिषेक यादव भाई जहाँ कहले 1962 मसीह जिते बड़े चीन सहित युद्ध होता आमर संख्यार जो सैन्य मैंने 120 जन रु 114 जन शहीद होते से चीन रह 1500 सैन्य परहत कर भारत मातार जयलाभ करते वीरत्वर प्रदर्शन करते तेणु ये समस्त गोटे स्वतंत्र अहिर रेजिमेंट जो अच्छी आमर विगत दिन में आमर पार्लियामेंट यहाँ मुलायम सिंह माधव एक तथ्य उपस्थापन करते बर्तमान आम 20 वर्ष जन युवक जे उत्तर प्रदेश बाहर अभिषेक यादव से सारा भारत वर्ष भ्रमण कर जो अहिर रेजिमेंट जादव भाई मान एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि कर जो आमर अच्छी बिहार रेजिमेंट गुर्खा रेजिमेंट तेणु आमर अहिर रेजिमेंट बहुत दिन ए दाबी पार्लियामेंट उत्थापन कराई तेणु भाई भारत भ्रमण जो साइकिल से जड़े दिव्यवान युवक करमर आठगड़ बांकी युव जादव महासभा उत्कल जादव महासभा पक्षर अच्छी तेणु ए दाबी जेपर्यंत आम पूरण न होती तेणु सारा भारत बर्षी आमर आंदोलन चालू रही है तो आम सहित तो बांकी भी अच्छा जादव महासंघर सभापति प्रतिक्रिया ना कह नमस्कार आमर जो अहिर रेजिमेंट स्वतंत्र आमको गोटे रेजिमेंट कर सरकार पाखे नवेदन जदि प्रति जिला राज्य ब्लॉक प्रति जगार आमर आंदोलन अभी जारी रही आगामी दिन रेपर्यंत सरकार आमर दाबी पूरण न करपर्यंत आम आम दाबी की उपस्थापन कर चलू से पर्यंत आंदोलन जारी रखु यह हूँ आम दाबी अहिर रेजिमेंट हक हमारा जो भाई शुणुले जो भाई भाव में अभिषेक यादव बर्तमान जुलाई 1 तारिख रु आज पहुँची सेप्टेम्बर 16 तारिख दीर्घ 76 दिन मध्य वर्तमान सुधा से 4000 किलोमीटर अतिक्रम करिसंदी सेना बाहिनी रे अहिर रेजिमेंट गठन करने तो ये युवकों एभली साहसिकता कार्यपाई आठगड़ तथा भारत बर्षे बेस प्रशंसा पात्र पलटिंट आठगड़ संतोष बारिक अर्गस न्यूज।